मैं निशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 विच इज साउंड। तो आज हम लोग साउंड का जो फुल इंट्रोडक्शन का है आज हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है फुल इंट्रोडक्शन हम एक पार्ट में तो नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 आवर तक का वीडियो बन सकता है, ठीक है। सो हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है तो बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे साउंड के बारे में। तो साउंड तो हमें सबको पता है कि साउंड क्या होता है, तो अब उसके इन डेप्थ में भी कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं जिसे हमें इस चैप्टर में समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साउंड मतलब होता क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्म बाय वाइब्रेशन। तो जो साउंड होता है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि जब आप खेलते हो जब आप दौड़ते हो तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, जिससे क्या होगा आपकी एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो जो साउंड होता है ना वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, एंड देन वो किससे प्रोड्यूस होता है, लाइक फॉर्म कैसे होता है, वो होता है फॉर्म वाइब्रेशन से। तो वाइब्रेशन मतलब एग्जांपल मतलब वाइब्रेशन मतलब होता क्या है? वाइब्रेशन तो हम सबको पता है, लेकिन देखो वाइब्रेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सिलेटरी मोशन आप लोगों ने आई होप सुना होगा ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन में क्या होता है, मान लो ये क्या है, स्विंग है, ठीक है। तो आपको पता है जो स्विंग है वो कहाँ जाती है, टू एंड फ्रो जाती है ना, इस टाइप से आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी, फिर आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी, है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन पे वो चलती रहती है, तो उसी को हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं। लेकिन जो ऑक्सिलेटरी मोशन होता है वो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत फास्ट फास्ट होता है। वाइब्रेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, आपने देखा होगा आप जब आप रबड़ को पकलप करते हो, ठीक है, जब उसको खींचते हो छोड़ते हो तो कितना जल्दी जल्दी वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन शो करता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन और ऑक्सिलेशन एक हिसाब से दोनों सेम ही चीज़ है, ओके। अब ये हमें समझ में आ गया कि पॉइंट्स आपको अच्छे से रिमेम्बर करने होंगे कि जो साउंड है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड नेक्स्ट क्या है, वो वाइब्रेशन से होती है, वाइब्रेशन से वो फॉर्म होती है साउंड, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तो साउंड देख लिया, अब एक और चीज़ यहाँ पे टॉपिक आ रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी वाइब्रेशन 1 सेकेंड के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो 1 सेकेंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक पतला सा आयरन का रॉड है, मान लो एक पतला सा एकदम स्ट्रिंग है, मान लो एक स्ट्रिंग है आयरन का, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रिंग है ना, मैंने इसको क्या किया हुआ है, मैंने इस स्ट्रिंग को ऐसे मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो मैंने ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने पकड़ा हुआ है। और जब मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है तो जब मैं इसे क्या करूँगी ना, ऐसे एक उंगली से अपने हिलाऊंगी ऐसे, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जितने वो वाइब्रेशन 1 सेकेंड के अंदर करता है उसी को, उसी जो वैल्यू आएगा ना उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फिर अगर हमें 1 सेकेंड का फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो हम कितने भी सेकेंड की फ्रीक्वेंसी, कितने भी आवर का फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, आप रबड़ को पकलप करोगे तो उसका 1 सेकेंड का फ्रीक्वेंसी अलग होगा। पेंडुलम आपको पता हो है ना क्या होता है, पेंडुलम जो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो जो पेंडुलम होता है ना, जिसका इस टाइप का होता है, बीच में एक बॉब होता है और बड़े मतलब लोग कुछ कुछ के क्लॉक्स में भी लगा रहता है, ठीक है, ऊपर एक क्लॉक होगा नीचे जो पेंडुलम है ये इस टाइप से घूमता रहता है। तो जितने वाइब्रेशन मतलब भाई टू एंड फ्रो आगे पीछे जाना, जितना वो 1 सेकंड में करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्या बात आती है, एकदम डेप्थ में आप लोग समझिए इसको। फर्स्ट वन क्या था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशन हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑक्सिलेशन, ऑक्सिलेशन मतलब भी कुछ नहीं, वाइब्रेशन ही है, ऑक्सिलेशन मतलब वाइब्रेशन ही होता है।
देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड. एक वाइब्रेशन को होने में जितना टाइम लगता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक सिर्फ वाइब्रेशन को होने में या फिर ऑक्सीलेशन को होने में, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं. और जितने ऑक्सीलेशंस एक सेकंड में हो सकते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी से नाम से जानते हैं. ठीक है, सो ये कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप इसको लिख भी सकते हो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड अबाउट साउंड. तो इसे आप क्या ले सकते हो, डेफिनेशन ऑफ साउंड भी ले सकते हो. डेफिनेशन ऑफ साउंड आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज साउंड, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं. बहुत सारे चीज़ों में पूछ दिया जाता है, नॉर्मल सी चीज़, और चैप्टर का नाम पूछ दिया जाएगा तो आप इसको कैसे लाइक बताओगे. तो आप ये जो सिर्फ वन मार्क्स का ये काम लर्न कर लोगे, तो आप साउंड को बता सकते हो कि साउंड होता क्या है जनरली में. ठीक है, सो ये आप लोग अच्छे से लर्न कर लो. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ साउंड, देन फ्रिक्वेंसी, देन टाइम पीरियड. तो ये बेसिक्स थे हमारे चैप्टर के. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. तो ह्यूमंस कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ये पता है कि हम लोग साउंड को लाइक सुनते कैसे हैं, हमें वो ऑर्गन पता है ना, तो वो क्या है, ईयर्स हैं. एंड जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, हमारे वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं. तो वॉइस बॉक्स आप लोग को पता होगा, तो आज हम लोग वॉइस बॉक्स को ना थोड़ा सा डीप से जानेंगे कि वॉइस बॉक्स कैसे जो साउंड ह्यूमंस के अंदर ना प्रोड्यूस करता है. तो ये क्या है, वॉइस बॉक्स का ड्राइंग है. ठीक है, तो वॉइस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, गोल्फ पैड जैसे. ठीक है, तो उस टाइप का आपके यहाँ दिख रहा है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो वॉइस बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो दो वोकल कॉर्ड आपको दिख रहे हैं, इन्हीं से ऑलमोस्ट जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है. आपके चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं है, तो ये सब तो आप हायर क्लासेस में एकदम डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन एकदम आउट लेवल का है तो वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड, इट हैज़ वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, विच हैव एयर कॉलम्स वाइब्रेटिंग इन देम. ठीक है, सो जो वो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास वॉइस बॉक्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, एयर के कॉलम्स होते हैं जो उनके अंदर वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, तो मैं जो ये वाला हिस्सा ना इसको फिर से बना देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो एकदम हल्का सा एकदम लाइट इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है हमारे वोकल कॉर्ड्स का. ठीक है, तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं ना, बहुत सारे एयर कॉलम होते हैं, एयर के कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो जब एयर के कॉलम्स वाइब्रेट होते हैं उनके अंदर, मतलब ये जो दो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं ना, और जब इनके अंदर ये जो एयर के कॉलम्स हैं ये एक दूसरे के साथ वाइब्रेट होते हैं, तब जो होता है ना साउंड वो प्रोड्यूस होता है. हेयर इज ओनली साउंड प्रोड्यूस्ड. देखो कैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर से समझते हैं. वॉइस बॉक्स है, उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, दीज आर वोकल कॉर्ड्स. तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, है ना, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो. तो दो वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, उनके बिटवीन में ना बहुत सारे ना पतले एयर कॉलम होते हैं, एयर के बहुत सारे पतले कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो जब ये कॉलम्स ना एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, जब ये कॉलम्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, जब ये कॉलम्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन शो करते हैं तब क्या होता है, तभी यहीं पे साउंड प्रोड्यूस होता है. जब ये एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन शो करते हैं तभी हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है. जब ये एयर कॉलम्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं, तब यहीं पे हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है. बस आपके चैप्टर में इतना ही छोटा सा टॉपिक गिवन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया. ऑब्वियस सी बात है, अभी आप लोग एट स्टैंडर्ड में, तो आगे जब जाओगे तो आप इसको डीप में पढ़ लोगे. ठीक है, बायोलॉजी में आप इसको डीप में पढ़ोगे आगे. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि वॉइस बॉक्स, मतलब जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो कैसे साउंड को प्रोड्यूस
करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट. सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. ठीक है. सो क्या साउंड को कोई मीडियम चाहिए, मतलब हमें, मतलब लाइक अगर मान लो साउंड कहीं पे आ रहा है, ठीक है, कहीं पर मान लो किसी के घर में स्पीकर पे लाउड वॉइस आ रही है, तो क्या साउंड को कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेशन मतलब ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. अब एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब जैसे कि मान लो किसी और के घर में कुछ म्यूज़िक चल रहा है एकदम लाउड स्पीड पे, तो वो आपको भी तो कभी कभी सुनाई देता होगा. आपके नेबर के घर में कुछ लाइक टीवी चल रहा है तो आपको भी तो कभी कभी सुनाई देता होगा. इसका मतलब जो साउंड है उसको भी कोई मीडियम चाहिए ना ट्रैवल होने के लिए. अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिससे आप शो कर सकते हो कि जो साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए, कोई सा भी मीडियम हो लेकिन उसको एक मीडियम चाहिए अपने मतलब ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब एक आदमी को लग सुनाई दे रहा तो दूसरे दूर तक भी वो चीज़ें जो साउंड है वो जाए. ठीक है. तो अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हो कि जो साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. तो हमारे पास क्या है एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है आपके पास क्या, आप लोगों को तो वैक्यूम पता है क्या होता है. वैक्यूम मतलब जैसे कि मान लो आपके पास एक वेसल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वेसल है और ये जो वेसल है इसके अंदर क्या किया गया है, वैक्यूम के हेल्प से, इसके अंदर वैक्यूम के हेल्प से क्या किया गया है, इसके अंदर जितना भी एयर प्रेजेंट था उसे क्या कर दिया गया है, सक्शन आउट कर दिया गया है. मतलब इसके अंदर से जितने भी एयर जितना भी था इसके अंदर से, इस टम्बलर के अंदर, उन सबको निकाल दिया गया है थ्रू वैक्यूम. तो अब इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. तो अब ये क्या बन गया है, अब ये एक वैक्यूम बन गया है. वैक्यूम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है. अब आप क्या करो, अब आपको लाइक ये बहुत ही ज़्यादा हाइट, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो ना कि इसी जो, मतलब आपका ये जो है ना चीज़ वेसल, इसके अंदर आप पहले से ही क्या करो ना, इसके अंदर आप पहले से ही कोई फ़ोन रख दो, या फिर फ़ोन रखने से सिवा आप कुछ भी उसमें मैग्नेज़म लगा सकते हैं जिससे कुछ देर बाद साउंड प्रोड्यूस हो. कुछ अलार्म लगा के रख दो, ठीक है, कुछ सेकंड के बाद. फिर यहाँ पे देखो आप ऐसे अलार्म लगा के रख दो एक विसल के अंदर, उसके बाद वैक्यूम के हेल्प से इसके अंदर जितना भी एयर है उसे सक्शन आउट कर लो, बाहर निकाल लो. फिर आप इस मतलब फिर ये क्या बन जाएगा, एक वैक्यूम बन जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होगा. फिर आप देखना कि जब इसके अंदर से ना, जब मान लो आपने अलार्म सेट किया होगा तो फिर मान लो आपका जो मोबाइल है उसके अंदर से ना अलार्म बजना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, अलार्म बजना स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन आप ना बाहर उस अलार्म को नहीं सुन सकते हो. ठीक है, आप उस बाहर अलार्म को नहीं सुन पा रहे होगे. क्यों इसलिए नहीं सुन पाते हैं ना हम लोग, मान लो आपने एक वैक्यूम के अंदर अलार्म बजाया, ठीक है, तो फिर आपने एक वैक्यूम एक वेसल के अंदर अलार्म बजाया है, लेकिन आप उस पतले वेसल के अंदर क्या है, वैक्यूम है, एयर प्रेजेंट नहीं है. इसके वजह से क्या होगा ना, जो हमारा साउंड है वो मतलब ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उस साउंड को बाहर नहीं सुन सकते हैं. ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम भी बता सकते हैं ना कि अगर मतलब लाइक आपके पास अगर एयर प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई भी मीडियम नहीं है तो एयर क्या होता है, ट्रैवल खुद से नहीं कर पाता. अगर यही ऐसा होता कि लाइक एयर को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, तो वो हम लोग अगर वैक्यूम में भी अलार्म बज रहा होता ना तब भी हम उसे सुन पाते. लेकिन यहाँ पे जब वैक्यूम में अलार्म बज रहा था तो हम नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि मतलब जो साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, आवाज़ को एक मीडियम चाहिए दूसरे आदमी तक पहुँचने के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसे हम समझना पड़ेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स है. कैन साउंड ट्रैवल थ्रू एयर, वाटर, स्ट्रिंग एंड सॉलिड. तो हम इन चारों चीज़ों को प्रूफ करेंगे कि साउंड क्या इन चारों चीज़ों से ट्रैवल कर सकता है. ऐसा नहीं कि साउंड सिर्फ एयर से ही ट्रैवल करता है, वो वाटर, सॉलिड, स्ट्रिंग्स, हम इन सबको भी चेक करेंगे कि क्या इनसे भी ये साउंड ट्रैवल कर सकता है कि नहीं. तो फर्स्ट देखते हैं एयर. एयर तो हमें सबको पता है कि आपके मान लो दूसरे रूम में अलार्म बज रहा है तो ऑब्वियसली आपको सुनाई देगा दूसरे रूम में. तो इनके बीच में क्या मीडियम था, कुछ मीडियम नहीं था, आप दूसरे रूम में बैठे थे, वो वहाँ पे अलार्म कहीं और बज रहा था. तो मीडियम क्या हुआ यहाँ पे, हवा हुई, एयर हुआ, एयर तो दिखता नहीं है ना, तो एयर हुआ जिसकी वजह से आप इस आवाज़ को सुन पा रहे थे. ठीक है, तो एयर बहुत ही बड़ा मीडियम है ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसको ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, तो एयर हमने डिस्कस कर लिया.
एयर में ज़्यादा कुछ नहीं है, एयर तो बस एयर तो हर जगह प्रेजेंट है ना, तो आप कहीं भी बैठे रहोगे, कहीं भी कुछ चल रहा होगा आपके पास में, तब आप उसे ऑब्वियसली सुन पाओगे। नेक्स्ट है वाटर। क्या वाटर के अंदर से साउंड हमें, मतलब लाइक अगर वाटर के अंदर कुछ बज रहा है, कुछ चल रहा है, तो क्या हम उसे बाहर सुन सकते हैं? देखते हैं एक बार। इसके लिए एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, आपके पास अगर टब होगा इस टाइप का, तो आप क्या करना, अपने घर में टब रखना, उसके अंदर क्या करना, फुल मतलब वाटर भर देना, ठीक है? उसके अंदर आपको पूरा फुल वाटर भर देना है, एकदम ऊपर तक आपको पूरा फुल वाटर भर देना है। एंड ये जितने भी मैं एक्टिविटीज़ आप सबको बता रही हूँ, आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी ये सारे एक्टिविटीज़ पूछे जाते हैं कि प्रूफ की जो वाटर होता है उससे भी साउंड ट्रैवल करता है या फिर नहीं, तो आपको प्रूफ क्या दिखाओगे, आपके पास सामान तो नहीं होगा एग्ज़ाम में, तो आपको एक्टिविटी से प्रूफ कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करना है। आपको टब लिया, उसके अंदर वाटर लिया, फुल फुल ऊपर तक आपको पानी लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपके घर में तो मतलब लाइक पूजा रूम होता ही होगा, पूजा रूम या फिर पूजा राख होते ही होंगे, तो वहाँ पे तो ऑलवेज मतलब लाइक छोटी वाली जो घंटी होती है ना, सबके घर में होती है, या फिर आपके पास कोई खिलौना है, या फिर आपके पास लाइक कुछ भी चीज़ है जिससे आवाज़ प्रोड्यूस हो सकती है मैन्युअली हाथ से, तो मेरे लिए तो बेस्ट है जो आपके पूजा रूम में होता है ना हमारे पास घंटी, आप उसे ले सकते हो, ठीक है? आपके पूजा रूम में जो घंटी होता है आप उसे ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, वो जो घंटी होती है उसको लेना है, आपने जो टम्बलर में पानी रखा है उस वहाँ पे जाना है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे मान लो आपको जो कान है आपको पानी के अंदर डालना है, सिर्फ आपका जो एक साइड का कान होगा आपको पानी के अंदर डालना है, और आपको कुछ इस तरीके से हो जाना है, ठीक है? आपको अपना एक कान पानी के अंदर डालना है और आपको कुछ इस तरीके से हो जाना है। यहाँ पे मैं सिर्फ हल्का सा ड्राइंग बना रही हूँ। और फिर आपको अपने दूसरे जो हाथ है ना उसके मदद से क्या करना है, ये जो आपका मतलब लाइक हमारे पास जो बेल है उसको हाथ को अंदर डालना, और ये जो बेल है ना इसको अपने दूसरे हाथ से क्या करना है, रिंग करना है, ठीक है? और अपना एक कान अंदर ही रखना है, ओके? तो फिर आप क्या देखोगे ना, जब आप इस बेल को रिंग करोगे तो इससे ये जो रिंग हो रहा है बेल, ये पानी के अंदर हो रहा है, और आपने अपना कान भी डाल रखा है सुनने के लिए कि क्या हमें पानी के अंदर वॉइस ट्रैवल होता है कि नहीं। तो जब आप पानी के अंदर इस रिंग को, मतलब जो आपका बेल है इसको जब आप फैलाओगे अपने दूसरे हाथ से, फिर जब अपने कान लगा के मतलब सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको जो इसकी बेल की आवाज़ है ना वो सुनाई देगी, जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि मतलब लाइक जो हमारा वॉट मतलब जो हमें साउंड होता है वो वाटर से भी ट्रैवल हो सकता है, ठीक है? तो इस एग्जांपल से आप ये प्रूफ कर सकते हो। तो क्या किया हमने, यहाँ पे एक टम्बलर लिया, उसके अंदर वाटर लिया, फिर आपको अपने एक हाथ में सिर्फ बेल लेना है एक जो आपके पूजा घर में होता है, देन आपको अपना जो एक कान है वो पानी के अंदर डालना है, देन दूसरे हाथ से आपको पानी के अंदर बेल बजाना है। तो जब आप बेल बजाओगे तो आप देखोगे कि आपने तो कान डाला है ना, तो जैसे ही आप बेल बजाओगे तो अगर आपको इस बेल की आवाज़ अपने कान तक सुनाई देती है, तब इसका मतलब जो वाटर है वो ट्रैवल करता है, ठीक है? तो वाटर ऑब्वियसली मतलब वाटर से साउंड ऑब्वियसली ट्रैवल करता है, यस है। एयर से भी यस है, ये भी ट्रैवल करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप इसे शो कर सकते हो, जैसे मैंने एक नॉर्मल ड्राइंग बनाई है, आप एग्ज़ाम में भी इस टाइप की ड्राइंग बना के अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। देखेंगे कि स्ट्रिंग से जो साउंड है वो ट्रैवल करता है कि नहीं, देखते हैं स्ट्रिंग से साउंड ट्रैवल करता है कि नहीं। यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब जैसे कि आप लोगों को तो पता होगा ना, जो हमारे पास मतलब बचपन में हम लोग खेलते हैं या फिर अभी भी आप खेलते होंगे, इस टाइप का हम लोग क्या लेते हैं ना, दो ग्लास लेते हैं, एंड इनके बीच से हम क्या करते हैं ना, एक स्ट्रिंग रखते हैं एंड दूसरा ग्लास लेते हैं। तो ये जो दोनों ग्लास रहता है ना हमारे एक एक फ्रेंड के पास रहता है, ठीक है? जो एक एक फ्रेंड होंगे उनके पास एक एक ग्लास रहता है, ठीक है? जब आप इधर से कुछ भी बोलते हो तो वो इधर आके उसके कान में सुनाई देता है ना, और वो जब वो इधर से कुछ भी बोलता है तो आपको इधर से लाइक सुनाई देता है ना। तो ये गेम तो हम सबने खेला है और बहुत मज़ा भी आता है। तो इससे आप प्रूफ कर सकते हो कि जो स्ट्रिंग होता है ना, ये तो सिर्फ एक पतला सा स्ट्रिंग है, तो कैसे स्ट्रिंग से हमारी आवाज़ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है? तो इससे आप ये प्रूफ कर सकते हो, इस एक्टिविटी या फिर इस गेम से आप प्रूफ कर सकते हो, यस, जो साउंड होता है वो एक पतली सी स्ट्रिंग से भी पास हो सकता है, ओके? नेक्स्ट है सॉलिड। क्या सॉलिड के अंदर से भी साउंड पास होगा, सॉलिड के अंदर से भी क्या साउंड पास होता है, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक्टिविटी है। यहाँ पे हमारे पास टेबल है,
टेबल तो आप लोगों को पता ही होगा, स्टडी टेबल या फिर कुछ भी टेबल आप ले सकते हो। आप क्या करो, अपने एक फ्रेंड को यहाँ पे, मतलब लाइक अपने एक फ्रेंड को यहाँ पे खड़ा कर दो, ओके। एंड यहाँ से आप अपने एक फ्रेंड को बोलो ना कि कि वो क्या करे, किसी भी चीज़ से जो हमारा लाइक टेबल है उसके ऊपर क्या करे, वो नॉक नॉक करे या फिर लाइक उसके ऊपर कुछ स्क्रैचिंग करे, ठीक है, अपने हाथ से इस टाइप से करते हैं ना स्क्रैचिंग, तो वो करे। और दूसरे फ्रेंड को बोलो कि वो क्या करे, यहाँ पे आ जाए और अपना कान लगा के यहाँ पे सुने, ठीक है, दूसरे एंड पे अपने दूसरे फ्रेंड को खड़ा कर दो और फिर उसको बोलो कि टेबल पे कान लगा के वो सुने कि क्या उसको इस आदमी का, मतलब दूसरे लड़के का नॉक नॉक या फिर स्क्रीचिंग वाली आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। ऑब्वियसली देती है, अगर यहाँ पे मैं भी नॉक नॉक करूँ अपने इसके ऊपर तो आपको सुनाई दे रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो आपको सुनाई दे रहा है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो भी आपको सुनाई दे रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें सॉलिड्स पे भी लाई करती है, सॉलिड्स को भी आप अगर कुछ भी करोगे, लाइक जब सॉलिड्स, मान लो कोई सामान आपसे नीचे गिर गया, तो जब वो नीचे गिरता है तो वो क्या होता है, आपको आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं देती है। या फिर अगर आप सॉलिड पे कुछ भी मारोगे, मैं अगर इस डस्टर पे भी मारती हूँ तो इसका आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि एक सॉलिड है, सॉलिड से भी आवाज़ें प्रॉपरगेट होती हैं, फिर ट्रैवल होती हैं। एयर, वाटर, स्ट्रिंग एंड सॉलिड से हमारा जो साउंड होता है वो हमेशा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये था हमारा साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन वाला टॉपिक। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट सब टॉपिक फॉर दिस पार्ट वन इज अबाउट लाउडनेस, ठीक है। तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस मतलब तो हम सबको पता है कि ये आदमी कितना लाउड है या फिर कितना तेज बोल रहा है ना, तो लाउडनेस मतलब तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स, ठीक है। तो जो लाउडनेस होता है उसे हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो डेसिबल में मतलब डीबी, स्मॉल डी देन कैपिटल बी, इसमें हम डेसिबल्स को एक्सप्रेस करते हैं। डेसिबल्स मतलब जो लाउडनेस होता है ना उसका एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, जैसे कि एसआई यूनिट बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है ना, तो ऐसे ही हम लोग लाइक लाउडनेस का भी एक, मान लो एसआई यूनिट कह सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसको एक्सप्रेस किया जाता है। मान लो आपसे कोई पूछे कि ये आदमी कितना लाउड है, तो आप उसे ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि ज़्यादा लाउड है, कम लाउड है, थोड़ा एकदम धीरे लाउड है, ऐसे करके नहीं बोलोगे ना। तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्म भी आता है जिसे हम डेसिमल बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि आदमी 10 डेसिमल जितना लाउड है या आदमी 30 डेसिमल जितना लाउड है, ऐसे करके हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का न्यूमेरिकल फॉर्म गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसे हम समझ लेते हैं जिससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि मतलब चीज़ों को रिलेट करने में। जैसे कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग का डेसिमल डेसिबल होता है, मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग की लाउडनेस होती है वो होती है 10 डेसिबल, ठीक है, 10 डेसिबल होता है ब्रीदिंग का, ठीक है, ब्रीदिंग का कितना होता है 10 डेसिमल्स ही होता है ब्रीथिंग का, जो साउंड होता है ना फिर लाउडनेस, जो हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, ये किसका है, ब्रीथिंग मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट विस्पर एट 5, मतलब देखो आप जो सॉफ्ट विस्पर होता है ना, जैसे कि मान लो आप किसी के कान में कुछ भी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना किसी के कान में कुछ भी बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो वो वाला जो आवाज़ होता है ना वो कितने का होता है, वो होता है 30 डेसिबल, मतलब आपको 30 डेसिबल के लाउडनेस पे उसको बोलते हो, विस्पर का जो होता है वो भी सॉफ्ट विस्पर का जो मतलब लाइक लाउडनेस होता है वो सब क्या होता है हमारा 30। एंड ये सब आप नोट करके रख लो क्योंकि आपके एग्जाम में 1-1 या 2-2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हाफ मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल कंजर्वेशन, मतलब हम लोग जो नॉर्मल किसी से बात करते हैं ना, कन्वर्सेशन जो होता है ना नॉर्मल, उसका डेसिमल कितना होता है डेसिमल, वो होता है 60 डेसिमल में हम लोग नॉर्मल कंजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट है बिजी ट्रैफिक, जो ट्रैफिक होते हैं एकदम बिजी ट्रैफिक, तो उसका जो डेसिमल होता है वो होता है 70 डेसिमल के लाउडनेस पे नॉर्मल ट्रैफिक होता है। नेक्स्ट है एवरेज फैक्ट्री, जो फैक्ट्री की आवाज़ें होती हैं वो कितनी होती हैं 80 डेसिबल,
ठीक है, 80 डेसिबल पे जो फैक्ट्री होती है उनकी आवाज़ें चलती हैं। और अगर मान लो कहीं भी 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर साउंड हो रहा है, लाउडनेस क्रिएट हो रही है, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। आपके कान भी ख़राब हो सकते हैं इससे, ठीक है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा कहीं भी साउंड चल रहा है तो आपको पेनफुल होगा वो आपके लिए, ठीक है, फिजिकली पेनफुल हो सकता है। तो ये हमारा था लाउडनेस एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। तो यही पे हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 साउंड का फुल इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।